तो ये वर्ड जब गाइस कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है टेक्नो बॉय। तो आज हम खेलने वाले हैं, मतलब मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था, मैं डिस्कॉर्ड पर अभी घूम रहा हूँ। फिर कुछ दोस्त मेरे बात कर रहे थे, जैसे जे और ये इविल जो इस सर्वर में खेल रहे हैं अभी फ़िलहाल को, और इन्होंने मुझे वन ब्लॉक की आईपी दिया और मैं घुस गया। और मैंने सोचा ये तो कंटेंट हुआ भाई, हालांकि इन्होंने ग्राइंड कर रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कंटेंट इज अ कंटेंट। ये चोमो बंदे यार मैं जब देखो मस्ती करते रहते हैं। गिरा क्यों रहे हो बे चोमो? अंदर काम कर रहे, काम कर। हाँ छोड़ रहा हूँ ना, सबर। इन्होंने मुझे ये काम दे रखा है कि ये ब्लॉक तोड़ते रहो बस, लेकिन मैं ऐसा कर देने वाला। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मैं साइड कौन सब्सक्राइबर्स को साइड में टेक्स्ट में दिख रहा होगा। हटना, वह तेरी गेम थोड़ी सी एफपीएस ड्रॉप कर रही है ना। किसकी? मेरी नहीं भव। हाँ भव्य की। तो ये क्या हो गया, वन ब्लॉक चैलेंज कंप्लीटेड? अरे भव्य, तूने मतलब जो अभी रिसेंट एंडली वीडियो डाली थी ना एक महीने पहले, मतलब लाइव थी जो, उसमें भाई तेरी का चोमू वन ब्लॉक है बे, बीच में से थोड़ा सा इंटरनल लोड जो कम कर लेता। माइक म्यूट। अरे जे भाई थोड़ी जी जी ओ जी म्यूट। Why are you running? तो अभी आप देखने वाले हैं टाइम लैप्स ऑफ वन ब्लॉक ब्रेकिंग। तो गाइस आप देख रहे हैं टाइम लैप्स और मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या चल रहा है। और ये मैंने डिस्कॉर्ड पे ऊपर इतनी बार फ्लिप किया क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा था और कुछ नहीं, और बीच में माइनक्राफ्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग बता दिया था। और ये किसी ने पता नहीं, लगता है उन्होंने किसी वीसी में ड्रैग करा था मुझे और मुझे सप्रेस्ड बोल दिया था, इसलिए मैंने लिखा। और यहाँ पर भाई क्रीपर, यहाँ पर बहुत मज़ा आया, लेकिन यहाँ क्रीपर पूरे फटते रहे भाई, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर ये स्पाइडर है ना, ऊपर से आ रही थी भाई, मैंने भाई मैं बड़ा आगे जाके शक्तिशाली बोल के पूरा आगे चला गया, क्रीपर को फटवा के आ गया। उसके बाद हम माइन करते रहे, मतलब मैं और जे भाई लिटरली हमने मशीन बनाई थी वहाँ पर, ईविल बीच में खड़ा है। ये देखो ये माली मशीन कैसे कर रहे हैं भाई पूरी। जे ये एक्स मतलब लॉक थोड़ा स्लो टूटता है ना, इसलिए जे ये टबैटो गेमिंग और ईविल ने एक्स पकड़ के रखी थी, मैंने शवल पकड़ के रखी थी भाई, पूरी मशीन टाइप कर दी थी भाई पूरी की पूरी। और ये हम माइन कर रहे थे पूरे एकदम ग्राइंड, देख रहे हो कितने ब्लॉक तोड़े हमने। इसमें टाइम तो बहुत लगा लेकिन टाइम लैप्स की वजह से आपको सिर्फ 2-4 मिनट में ख़त्म। ये देखो भाई पूरी मशीन बना रखी थी भाई हमने पूरी की पूरी, कैसे तोड़ रहे थे भाई। और इविल भाई बार बार मर रहा था, बीच में घुसा पड़ा था भाई वो, और मुझे लगा कि लीव्स हो से टूटती है भाई, मतलब कलेक्ट होती है लीव्स हो से, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ इससे कलेक्ट होती है। और फिर हम माइन करते गए सामान, देख रहे हो चेस्ट के अंदर कितना सारा। फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत ग्राइंड किया हमने, उसके बाद आगे देख लो खुद। यहाँ फाइट में बहुत मज़ा आया भाई क्रीपरों की फाइट में। और आगे एक मस्त चीज़ होने वाली है, अब देखो भाई बहुत मस्त चीज़, उसके बारे में तभी बताऊँगा। और ये मारते हुए उसके बाद भाई पूरी शील्ड हार भाई, मुझे मैंने सारा सामान चेस्ट में रखा और क्रीपरों के पास गया कि मैं क्रीपर को नीचे गिरा के आ जाऊँगा। और मैंने 2-4 शॉट वेस्ट कर दी नीचे गिरा कर, मैं खुद भी गिर गया और स्वॉर्ड भी, और ईविल और मिली थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। इसके बाद फिर से
तो गेम की लड़ाई इतनी सीरियस वाली नहीं थी। हम देखो कितनी बार गिर रहा हूँ। उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म बनाना चालू किया, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। उसके बाद हम पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ये हमारा ट्री फार्म होने वाला था। उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर डर्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्री फार्म होने वाला है। उसके बाद मैं आ गया सैपलिंग्स लेने। इस पेड़ को मैंने पूरा ख़त्म कर डाला है भाई, अभी लास्ट में देखना पूरा ख़त्म कर डाला है भाई पेड़ को। राजी की आधी सैपलिंग नीचे ही गिरी है भाई। उसके बाद एम में गेड़िया मारते मारते बात कर रहे, मुझे यकीन ही नहीं करती मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं मालूम ही नहीं था भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और भाई हम मेरी और ये लिटरली वो डंडे के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। मैं इसके एक शॉट नहीं बाहर पर भाई। मैं फिर से वो वन ब्लॉक माइन करने में लग गया भाई, बहुत देर तक माइन कर। उसके बाद जॉम्बी से मैं लड़ा एक्सपी के लिए थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी वन ही एक्सपी पड़ी। ऐसे एक्सपी चाहिए नहीं थी, मैं मर गया। उसके बाद फिर रॉकी ने कुछ मैसेज भेजा था, वो पता नहीं वो क्या था भाई। वो रॉकी भी हमारा एक दोस्त है। उसके बाद कहता हूँ वो रॉकी भी एक दोस्त था, मतलब था नहीं अभी भी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट।